हेलो एवरीवन, तो आज की हमारी वीडियो बनने वाली है हेयर मास्क पे। कौन सा हेयर मास्क हमारे हेयर्स के लिए अच्छा है? अभी विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में हमें एक अच्छे हेयर मास्क की बहुत नीड होती है। तो हमारी स्काल्प विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं आज चार तरह के हेयर मास्क, जिनका आज हम आपको रिव्यू करेंगे कि कौन सा हेयर मास्क इन चारों में से बेटर है विंटर्स के लिए और आपके हेयर की नीड के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? तो फर्स्ट मास्क हमने ले लिया है पिलग्रिम का, जो कि है आर्गन ऑयल हेयर मास्क। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है हमारा 650, और 650 में हमें मिलता है 200 ml। तो ये 100% वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, टेस्टेड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, नो पैराबेंस और नो टॉक्सिक केमिकल्स, और FDA अप्रूव भी है। तो बात करें ये हमारे इस अच्छा ये कहते हैं कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इम्प्रूव करेगा वॉल्यूम और फाइट करेगा हेयर फॉल से। तो अगर इसमें आर्गन ऑयल है तो ऑब्वियसली बात है आपके हेयर को नरिश करेगा। आर्गन ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। मैंने इस हेयर मास्क को यूज़ करा, मैंने इसका रिव्यू आपको पहले भी दिया था। तो बात करें कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप विंटर्स के लिए देख रहे हो, अगर आपका रीज़न है इसको यूज़ करने का हेयर ग्रोथ, आप अच्छी हेयर ग्रोथ चाहते हो, हेयर फॉल कम हो आपकी और आपके हेयर फ्रिज फ्री लगें, तो आप ये वाला ले सकते हो। प्राइस मैंने आपको बता दिया और बाकी के जो है वो अंडर बजट भी हैं इसमें। तो ये हमारा 650 का है, 200 ml, मुश्किल से 5 to 6 टाइम्स चल जाएगा अगर आपके हेयर छोटे हैं, और अगर आपके हेयर ज़्यादा ही लॉन्ग है तो उसमें भी 4 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है? तो अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा पिलग्रिम का स्ट्रेटनिंग हेयर मास्क। ये भी ड्राई और फ्रेजी हेयर के लिए है। ये भी हमारा पिलग्रिम का ही है, फ्रिज कंट्रोल करेगा, सॉफ्ट और सिल्की हेयर प्रोवाइड करेगा, हेल्दी हेयर प्रोवाइड करेगा। तो ये केराटिन से रिलेटेड है, तो ये मैंने यूज़ करा है काफ़ी दिन। तो मैं इसका प्राइस है 550, जिसमें ये हमें 200 ml मिलता है। तो अगर आपका पर्पस है, आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, अगर आप विंटर्स में यूज़ करना चाहते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा हेयर मास्क है, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं, आपका मेन पर्पस है फ्रिजी हेयर के लिए, तो आप डेफिनेटली वाला परचेज करो। अब मूव करते हैं हमारा थर्ड हेयर मास्क, जो कि है हमारा केराटिन। ये हमारा अंडर बजट वाला हेयर मास्क, जो कि है गुड वाइब्स का नरिशिंग हेयर मास्क। इसका एक हेयर मास्क और आता है, वो है बनाना। तो वो हेयर मास्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको सिल्की हेयर्स चाहिए, शाइनी हेयर्स चाहिए, तो आप बनाना वाला लेना। अगर आपका केराटिन, जैसे आपने केराटिनिंग करा रखी है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो तो आप केराटिन वाला भी ले सकते हो। बट मैंने कोई केराटिन नहीं कराई थी, इसके बाद ही मैंने ये यूज़ करा, इसका रिजल्ट अच्छा है, बनाने वाले के भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये भी नरिशिंग के लिए है, इसमें भी नो पैराबेंस है, नो सल्फेट्स है। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 499, और जिसमें 200 ग्राम मिलता है। तो मैं भी आपको ऑफर भी बताऊंगी, जिसमें आप इसको कम में परचेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसका भी बताऊंगी और मैं भी आपको पिलग्रिम का भी बताऊंगी, दोनों का। तो ये आ गया हमारा अंडर बजट में गुड वाइब का केराटिन मास्क। फिर आता है हमारा अनियन, गुड वाइब्स का हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क, ये हेयर फॉल के लिए है। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, ऐसे ही उसमें भी था पिलग्रिम वाले में, आर्गन ऑयल वाले में, वो भी हेयर फॉल कंट्रोल करने का क्लेम कर रहे थे। तो बात करें, ये भी नो पैराबेंस इसमें, नो सल्फेट्स हैं। बात करें इसके प्राइस की, इसका प्राइस है 509 rupees, जिसमें ये 200 ग्राम मिलेगा। ये अनियन का
तो अनियन सब जानते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करती है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अपने हेयर के लेंथ पे लगाना है और 15 से 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और फिर कोल्ड वाटर से आपको रिंस कर लेना है। इसकी स्मेल थोड़ी ऑकवर्ड होगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें अनियन है। ये मेरा सेकंड पैक था, इसका भी केराटिन वाले का भी, और बनाना वाला तो मेरे पास पहले था वो खत्म हो गया था, वो मैं दो बार यूज कर चुकी हूँ, वो भी अच्छा है काफी। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेयर मास्क हैं, जैसे कि केराटिन नरिशिंग के आपका पर्पस है तो आप ये वाला ले लो। शाइनी हेयर्स चाहिए तो बनाना वाला ट्राई करो। अगर आपको गुड वाइब हेयर फॉल कंट्रोल के लिए देख रहे हो तो आप ये अनियन वाला ट्राई करो, ठीक है। और अगर हेयर ग्रोथ के लिए देख रहे हो तो ये पिलग्रिम वाला ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छा है पिलग्रिम वाला। और अगर आपके फ्रिजी हेयर ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ट्राई करो, ठीक है। अब हम इसको रेट करते हैं। तो अगर हम इस वाले हेयर मास्क की बात करें तो ये अच्छा था, लेकिन एकदम आपको कोई ड्रेस्टिक रिजल्ट नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम यूज़ करा आपने आपको लग रहा है आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, ये एकदम सारा फ्रिज ख़त्म हो गया, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अपने फ्रिज में सिर्फ 60% कंट्रोल लगा था। तो आप देख लो, अगर आपको सही लग रहा है तो ये वाला परचेज कर सकते हो। अगर आप 60% में सेटिस्फाई हो तो ये वाला परचेज कर लो। और रेट करें इसको तो ये है हमारा 7 out of 10। इसको अगर हम रेट करें तो ये आर्गेनो, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी थी और रिजल्ट भी सही था इसका, तो 8 out of 10 इसका, ठीक है। बात करें केराटिन वाले की तो केराटिन वाला भी काफ़ी अच्छा है। मैं भी आपको ऑफर्स बताऊंगी कि आपको ये कम प्राइस में कैसे मिल सकता है। तो केराटिन वाला भी अच्छा है, अगर इसको रेट करा जाए तो 7.5 out of 10। बनाना वाले की बात करोगे तो आप 8.5 out of 10। अनियन वाले के बाद मुझे कोई हेयर फॉल कंट्रोल नहीं लगा था अपना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो अनियन वाले को तो हम कम ही रेट करेंगे, 5 out of 10, नॉट मोर देन दैट। सही है ये, सबका हेयर टाइप अलग होता है, सबके उस पर एक जैसा वर्क करे ज़रूरी नहीं है। जो रिजल्ट मुझे मिल रहा हो वो आपको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जाओ, अगर आपको परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बात करें ये दोनों आप कम प्राइस में कैसे ले सकते हो, जैसे इसका प्राइस था अराउंड कितना 550 और उसका भी अराउंड 5 something था। तो बाय वन गेट वन ऑफ अ पिलग्रिम की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलती रहती है, तो वहाँ पे जाके बाय वन गेट वन में ले लो, क्योंकि मैंने भी ये बाय वन गेट वन में ही लिया था। तो मुझे पिलग्रिम का जितना इसका प्राइस था ना 650 में, ये दोनों हेयर मास्क मिल गए थे। जिसका भी ज़्यादा प्राइस होगा उसका लगा लेते हैं और लेस वाले का कम कर देते हैं। तो और इस गुड वाइब्स के हेयर मास्क ने मुझे ऑफर पर्पल ऐप पर मिला था, उस पर भी उस टाइम पे बाय वन गेट वन ऑफर चल रही थी, तो मैंने ये बाय वन गेट वन में ही लिया था। तो मुझे समझो 509 में ये दोनों हेयर मास्क मिल गए थे। पहले इसके प्राइस पहले नहीं, वैसे भी अगर नॉर्मली भी चेक करोगे ना तो इनके ऑफर्स में प्राइस कम ही चलते रहते हैं, अराउंड 300 में या 350 के अराउंड आपको पर मास्क मिल जाएगा। बाय वन में लेना चाहते हो बाय वन गेट वन में ले लो, वैसे लेना चाहते हो तो वैसे ले लो, अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो तो, जैसे आपकी मर्जी हो नीड हो जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और प्रोडक्ट्स का हम रिव्यू करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हेयर मास्क शैम्पूज वगैरह और शीट मास्क स्किन केयर सब कुछ हमारे चैनल पर अपलोड होता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।